दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित अधिकांश हाई स्कूल में छात्रों को बिजली पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है और गर्मी में जहां बिन बिजली के बच्चे बीमार हो रहे हैं, वहीं विद्यालयों में साफ पेयजल भी उपलब्ध न होने के चलते छात्रों को खारा और गंदा पानी पीना पड़ता है। बांदा शहर से लगे चहितारा गांव स्थित हाई स्कूल समेत तकरीबन 13 सरकारी हाई स्कूल बिजली पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। इन स्कूलों के बने और संचालित हुए 5-5 साल से अधिक हो चुके हैं, लेकिन अभी तक स्कूलों में बिजली कनेक्शन उपलब्ध नहीं है। इसके चलते गर्मी और अंधेरे में छात्रों को पढ़ना किसी मुसीबत से कम नहीं है। अक्सर इन स्कूलों में छात्र छात्राएं बीमार तक हो चुके हैं, वहीं साफ स्वच्छ पेयजल भी छात्रों को मैसर नहीं है। यहाँ के सरकारी नल या तो गंदा पानी देते हैं या बेहद खारा पानी, और गर्मी में प्यास से बेचैन छात्र अपनी प्यास तक नहीं बुझा पाते। समस्याओं के बारे में स्कूलों के शिक्षक कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन कुंभकर्णी नींद में सोए सिस्टम के कानों में जू तक नहीं रेंगी है। प्रॉब्लम तो बहुत सी होती है, जैसे पढ़ते हैं तो गर्मी लगती है, फिर कुछ है भी नहीं है, फिर वगैरह वगैरह बहुत सी, मतलब मैम लोगों को भी दिक्कत होती है, पढ़ाने में क्लास में हवा भी नहीं आती है, पैर पौधे भी तब भी प्रॉब्लम होती है। यहाँ लाइट नहीं है, हम पढ़ नहीं पाते, पसीना बहता है, और हम यहाँ पर कोई यहाँ अच्छी सुविधा भी नहीं है पढ़ने के लिए, और बाहर वहाँ मैदान भी नहीं है कि कहीं पास जाकर पढ़ सकते हैं। बच्चों को समस्या होती है, जैसे कुछ बच्चे बीमार हैं तो अगर लेट भी जाते हैं क्लास में तो उनको बीच में छुट्टी देनी पड़ती है, और पानी की समस्या ये है कि पानी खारा भी है और कीड़े भी आते हैं उसमें, और यहाँ पेड़ पौधे भी इतने घने नहीं कि बच्चों को बाहर बिठाल के भी पढ़ाया जा सके, तो किसी तरह से एडजस्ट किया जाता है। फिर गर्मी है, धूप भी आती है क्लास में साइड से, तो ये चादर वगैरह बच्चे बांध लेते हैं और बैठते हैं। 3-4 साल हो गए, 4 साल तो हो ही गए। वहीं इस मामले में जब जिला विद्यालय निरीक्षक से बात की गई तो उन्होंने 13 विद्यालयों में बिजली और साफ पेयजल ना होने की बात को स्वीकार किया। DIOS का कहना है कि बिजली कनेक्शन के लिए संबंधित कार्यवाही पूरी कर ली गई है और जल्द ही कनेक्शन हो जाएंगे। पेयजल की समस्या के भी निराकरण की कार्यवाही की जा रही है। हमारे राजकीय विद्यालय में 13 ऐसे विद्यालय हैं जिसमें विद्युत संयोजन नहीं हुआ है और उसका अनुसरण कर लिया गया है, विद्युत विभाग से संपर्क कर लिया गया है, जिलाधिकारी महोदय के प्रेरणा से उन विद्यालयों में संयोजन कराए जाने की कार्रवाई गतिमान है, और अधीक्षण अभियंता से भी बात हो चुकी है, उन्होंने लिखित रूप में आदेश कर दिया है, शीघ्र ही हो जाएगा। न्यूज़ बीके के लिए बांदा से जीतू श्रीवास की रिपोर्ट।